गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिया एकेडमी। और आज हम बाल विकास में जो टॉपिक लेने जा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे पठन संबंधी कुछ समस्याएं, कुछ विकार होते हैं जिनमें जो बालक होता है वो अच्छे से लिख नहीं पाता है, पढ़ नहीं पाता है, बोल नहीं पाता है, या फिर अपने आप को दूसरों से सुंदर समझता है या बड़ा समझता है। ऐसी जो बाल विकास से संबंधित जो समस्याएँ होती हैं उनको आप आज यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कुछ समस्याएं हैं, जैसे यदि कोई बालक लेखन संबंधी कार्य नहीं कर पाता है, यानी जो बालक है वो कौन सा कार्य नहीं कर पा रहा है, यहाँ पर लेखन संबंधी कार्य नहीं कर पाता। लेखन संबंधी कार्य का मतलब होता है कि उस बालक को लिखने में क्या होती है, समस्या होती है। तो इस प्रकार का जो विकार होगा जिसमें बालक को लेखन संबंधी समस्या रहेगी, तो इस प्रकार के विकार को हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा, यानी कोई बालक यदि लिख नहीं पाता है अच्छे से, तो इस प्रकार का जो विकार होता है उस विकार को हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। ये आपका फर्स्ट बिंदु हो जाएगा। यहाँ से आप कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जैसे सबसे पहले यहाँ पे हमने देखा लेखन संबंधी जो समस्या होती है जिसमें बालक लिखने में असमर्थ होता है, तो इस प्रकार की समस्या को हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। क्या हो जाएगा, डिसग्राफिया हो जाएगा। इसके बाद सेकंड नंबर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा पठन या वाचन संबंधी समस्या। तो यहाँ पे हमें किससे संबंधित समस्या देखना है, पठन से संबंधित समस्या देखना। पठन से संबंधित यानी जो बालक है वो आपका पढ़ नहीं पाएगा, यानी अच्छे से वो बालक उस चीज़ को बोल नहीं पाएगा या पढ़ नहीं पाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, जब बोल नहीं पाएगा यानी अपने लेक्चर को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, बात नहीं कर पाएगा, बोल नहीं पाएगा, तो इस प्रकार की जो समस्या होती है, यानी पठन संबंधी समस्या, पढ़ने से संबंधित समस्या होती है। पठन यानी पढ़ना यानी क्या होता है, आपका वाचन करना होता है। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कौन सी समस्या हो जाएगी आपकी, वाचन से संबंधित समस्या हो जाएगी। अब यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो वाचन से संबंधित जो समस्या होती है इसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया। यदि कोई बालक पढ़ नहीं पाता है या उसे पढ़ने से संबंधित समस्या होती है, यानी किसी चीज़ को अच्छे से पढ़ नहीं पाता है, यानी जो समस्या है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी वाचन संबंधी समस्या हो जाएगी। तो जो बालक का जो विकार होगा उस विकार को आप क्या कहेंगे, डिसलेक्सिया कहेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा। इसी के साथ आप देखेंगे अब आगे क्यों बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है गणना संबंधी समस्या। थर्ड बिंदु में आप देखेंगे यहाँ पर जो समस्या है ये किससे संबंधित है, गणना से संबंधित समस्या है। गणना यानी गिनती करना माने कैलकुलेशन करना। तो यहाँ पे आप सीधा ही लिख देंगे कि जो आपकी गणना संबंधी समस्या होती है या कैलकुलेशन से संबंधित समस्या होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसकैलकुलिया कहते हैं। यदि कोई बालक पढ़ नहीं पाता है तो वो आपकी डिसलेक्सिया संबंधी समस्या होती है। यदि कोई बालक गणना नहीं कर पाता है तो इस प्रकार की समस्या को, गणना यानी कैलकुलेशन करना, जब कोई बालक कैलकुलेशन नहीं कर पाएगा तो जो समस्या रहेगी, जो विकार रहेगा, उसको हम क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे। तो आपका डिसकैलकुलिया हो जाएगा। इसके साथ हम यहाँ पर अगला देखेंगे तो यहाँ पर आपको हो जाएगी भाषा से संबंधित समस्या। फोर्थ बिंदु में आपका कैसे संबंधित हो जाएगा, भाषा से संबंधित समस्या हो जाएगी। किससे संबंधित समस्या बताई जा रही है यहाँ पे, भाषा से संबंधित समस्या। भाषा से संबंधित समस्या को यदि हम देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, अपहेजिया कहते हैं। भाषा से संबंधित समस्या क्या कहलाती है, अपहेजिया। कहीं कहीं देखिए यहाँ पे आपको अपहेजिया लिखा मिलेगा या अपहेजिया लिखा मिलेगा, तो आपको फोकस करना है, शब्द को पकड़ना है कि वास्तविक रूप से ये पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे भाषा से संबंधित यदि कोई समस्या है तो उसको हम क्या कहते हैं, अपहेजिया कहते हैं। इसी क्रम में आप यहाँ पे आगे क्यों बढ़ते हैं, तो आगे हम यहाँ पर देखेंगे अगला हो जाएगा आपका भोजन ग्रहण संबंधी समस्या। पाँचवा जो आपका जो पॉइंट रहेगा, यह आपका किससे संबंधित हो जाएगा, भोजन से संबंधित हो जाएगा।
भोजन से संबंधित यदि समस्या देख लेंगे, भोजन से संबंधित इसका आशय है कि यदि कोई बालक है तो वो किसी चीज़ को ग्रहण नहीं कर पा रहा है, किस चीज़ को ग्रहण नहीं कर पा रहा है यानी भोजन को वह ग्रहण नहीं कर पा रहा है, भोजन को ग्रहण ना कर पाने के कारण इस प्रकार की जो समस्या होती है इसको हम क्या कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा बुलिमिया, यानी ये आपका हो जाएगा भोजन ग्रहण संबंधी जो समस्या है, यानी भोजन को ग्रहण करने में जो समस्या होती है उसको हम क्या कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं। तो आपका बुलिमिया हो जाएगा। इसी प्रकार आप अगला देखेंगे, यहाँ पर कई बालकों में यदि आपने देखा होगा कि जो आपका बालक है, बालक में कम उम्र में ही, यानी बालक छोटा है और कम उम्र में ही यदि आप इसको देखेंगे तो जो आपका बालक रहेगा इसमें आप देखेंगे कम उम्र में ही जो आपका बालक होता है, बालक में कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं, वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। बालक कैसा रहेगा, छोटा रहेगा, यानी उसकी जो उम्र रहेगी वो कैसी रहेगी, कम रहेगी, कम उम्र में ही जो बालक रहेगा बालक में कैसे लक्षण दिखाई देने लगेंगे, वृद्धावस्था के लक्षण दिखाई देने लगेंगे। तो इस प्रकार की जो बीमारी या जो प्रकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेरिया कहते हैं। कौन सी बीमारी हो जाएगी, प्रोजेरिया, यानी जो विकार होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्रोजेरिया हो जाएगा। इसके बाद यदि आप देखें तो अगला बिंदु हमारा हो जाएगा, यहाँ पे हम देखेंगे अगले में आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं लेखन पठन गणना। देखिए अभी आपने अलग से देखा था, यहाँ पे आप देखेंगे कई समस्याएं एक साथ पढ़ने के लिए मिलेंगी हमें। एक तो आपका क्या हो गया, लेखन हो गया। अगले में यदि हम देखें तो क्या हो जाएगा, पठन हो जाएगा। और पठन के साथ साथ यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो साथ में हम किसको देखेंगे, गणना को देखेंगे। तो लेखन पठन और गणना यदि बालक को सभी में क्या है, समस्या है, तो इस प्रकार की जो समस्या होती है उस समस्या को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये आपका हो जाएगा डिस्प्रेक्सिया, ये हो गया हमारा डिस्प्रेक्सिया। यानी जो हमारा बालक है, बालक को सामान्यतः आप यहाँ पर देखेंगे लेखन संबंधी ये समस्या हो जाएगी, लेखन संबंधी समस्या के साथ साथ पठन संबंधी समस्या भी हो जाएगी, गणना से संबंधित समस्या हो जाएगी। इसके साथ साथ कभी ऐसा भी लिख देते हैं कि बोलने वाले भी समस्या होती है, तो उसको आप क्या कहते हैं, डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। इसी क्रम में हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो अगला आपका हो जाएगा गंभीर तनाव की अवस्था। यहाँ पे यदि आप देखें तो अगला बिंदु हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हम देख रहे हैं गंभीर तनाव की अवस्था जो होती है। गंभीर तनाव की अवस्था में सामान्यतः आप देखेंगे यदि बालक कैसा है, आपका गंभीर स्थिति में है, बालक में जो तनाव है ये आपका किस स्थिति में चल रहा है, गंभीर अवस्था में चल रहा है, यानी बालक की स्थिति गंभीर है। तो इस प्रकार की जो बीमारी होती है इस बीमारी को हम क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिस्थीमिया। यानी बालक में सामान्यता आप देखेंगे तो यहाँ पर कौन सी बीमारी है, गंभीर तनाव है, यानी जो बालक रहेगा बालक को गंभीर तनाव रहेगा, गंभीर तनाव के कारण इस प्रकार का जो विकार होता है इस विकार को हम क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्थीमिया हो जाएगा। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो अगला आपका हो जाएगा अपने को सुंदर, माने जो बालक है, यहाँ पे आपका नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा जो बालक है, इस बालक को यदि आप देखेंगे तो ये बालक अपने आप को, जो बालक होगा ये अपने आप को कैसा समझेगा, सुंदर समझेगा। बालक अपने आप को कैसा समझेगा, सुंदर समझेगा। साथ में जो बालक होगा वो अपने आप को कैसा समझेगा, सुंदर होने के साथ साथ जो बालक होगा ये लंबा होगा और अपने आप को कैसा समझेगा, ताकतवर समझेगा। माने जो बालक है वो अपने आप को सुंदर तो समझ ही रहा है और सुंदर के साथ साथ वो अपने आप को लंबा भी समझ रहा है। लंबा, यहीं से ऑब्जेक्ट आपका बनेगा, लंबे से हम इसका उत्तर देखेंगे। लंबा और कैसा है, ताकतवर है। लंबा है माने मोर, माने ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे डिसमोर्फिया हो जाएगा। तो इसका यदि आप विकार देखें तो उस प्रकार के विकार को हम डिसमोर्फिया कहते हैं। कौन सा विकार हो जाएगा, डिसमोर्फिया विकार हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा यदि बालक अपने आप को सुंदर समझता है, अपने आप को लंबा समझता है, अपने आप को बड़ा समझता है, ताकतवर समझता है, तो इस प्रकार का जो विकार आपका होगा
इस प्रकार को हम क्या कहेंगे, डिसमोर्फिया कहेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिसमोर्फिया हो जाएगा। इसके बाद यदि आप देखें तो अगला हो जाएगा हमारा, यदि कोई बालक क्या नहीं कर पाता है, तर्क नहीं कर पाता। जो बालक होगा वो क्या नहीं कर पाता है, तर्क नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार की जो व्यक्ति जो बीमारी होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डिमेंशिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डिमेंशिया, या डिसमेंशिया भी कहीं कहीं पढ़ने के लिए मिलेगा। तो आपका क्या हो जाएगा, डिमेंशिया हो जाएगा। यानी जो बालक है वो किसी चीज़ के बारे में तर्क वितर्क नहीं कर पाता है, तर्क नहीं कर पाता है। तो इस प्रकार का जो विकार होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिमेंशिया कहते हैं। और अगले में आप देखेंगे यहाँ पर अवधान संबंधी समस्या, कौन सी समस्या हो जाएगी, अवधान संबंधी समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे यदि किसी बालक में अवधान से संबंधित समस्या है, तो इस प्रकार के विकार को सामान्यतः यदि आप देखेंगे तो इसको हम क्या कहते हैं, ADHD कहते हैं। माने यदि कोई बालक अवधान की किसी बालक में समस्या है, तो इस प्रकार का जो विकार होगा उसको हम क्या कहेंगे, ADHD कहेंगे। तो यहाँ पर एक बार आप फर्स्ट रिविजन देखेंगे इसका, स्टार्टिंग से हम देखने वाले हैं। सबसे पहले आपका जो दिया गया था, तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो बालक है, बालक यदि लेखन संबंधी उसमें समस्या है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसग्राफिया कहते हैं। पठन या वाचन संबंधी समस्या है तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। यदि गणना से संबंधित समस्या है, यानी बालक गणना नहीं कर पाता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसकैल्कुलिया कहते हैं। यदि बालक में भाषा से संबंधित समस्या है, तो इसको हम क्या कहते हैं, अफेजिया कहते हैं। यदि बालक में भोजन ग्रहण करने से संबंधित समस्या, यानी भोजन को ठीक से ग्रहण नहीं कर सकता है, तो इस प्रकार की जो विकृति होती है, जो विकार होता है, उसको हम क्या कहते हैं, बुलिमिया कहते हैं। और अगला आपका हो जाएगा, जो बालक होगा ये कम उम्र में ही इस बालक में वृद्धावस्था के लक्षण देखने के लिए मिलेंगे। तो इस प्रकार की जो विकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेरिया कहते हैं। तो ये आपका प्रोजेरिया हो जाएगा। साथ में आप देखेंगे यहाँ पर समस्याओं को एक साथ रखा गया है, ये आपका लेखन संबंधी समस्या है, ये आपकी पठन संबंधी समस्या हो जाएगी, ये गणना से संबंधित समस्या हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसप्लेक्सिया कहते हैं। अगले में आप देखेंगे गंभीर तनाव की जो अवस्था होती है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। अगले में हो जाएगा जो बालक होता है, ये बालक अपने आप को सुंदर समझता है, साथ में लंबा समझता है और ताकतवर समझता है। तो इस प्रकार की जो प्रकृति होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिसमोर्फिया कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, डिसमोर्फिया हो जाएगा। इसके बाद यदि बालक क्या नहीं कर पाता है, तर्क नहीं कर पाता है, तर्क करने से संबंधित जो समस्या होती है उसको हम डिमेंशिया कहते हैं। और जो अवधान से संबंधित जो विकृति होती है, अवधान से संबंधित समस्या को हम क्या कहते हैं, ADHD कहते हैं।